मुंबई के भिवंडी में दर्दनाक हादसा। मुंबई में दो मंजिला इमारत गिरी, दो बच्चों की मौत, पांच घायल जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस ने स्थगित की जनसंवाद यात्रा, पुलिस के लाठीचार्ज के बाद बिगड़े हालातों के कारण लिया फैसला। नवी मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की ड्रग्स जब्त, कई विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन। जालना में हिंसा, क्या हम पाकिस्तानी हैं, पुलिस लाठीचार्ज के बाद मराठा कार्यकर्ताओं ने की ये मांग, मुंबई तक पहुंचा आंदोलन। मुंबई में पूर्व विधायक का बेटा बांद्रा वर्ले सीलिंग पर लेबोरगिनी चला रहा था, तभी कार रेलिंग से टकरा गई। यूपीए सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया, मुझे मालूम है आप जवाब नहीं दोगे, मैं बनिया का बेटा हूँ, हिसाब लेकर चलता हूँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भगवा धमकियों से डरने वाला नहीं, कानूनी कार्रवाई की धमकी पर उदय निधि स्टालिन का बयान। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है, सनातन धर्म को लेकर डीएमके नेता उदय स्टालिन का विवादित बयान। मराठा समाज शांतिपूर्ण है, अगर जालना में प्रदर्शनकारियों का बाल विवाह का हुआ तो पूरे महाराष्ट्र को यहाँ लाकर खड़ा कर देंगे, सरकार गलत लोगों से भिड़ गई है, उद्धव ठाकरे। 2047 तक भारत में करप्शन, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म की कोई जगह नहीं होगी, पीएम मोदी। इंडिया जीता तो 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, अगर बीजेपी जीती तो 3000 रुपए में मिलेगा, ममता बनर्जी। नेता और मीडिया रोज सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देते हैं, सरकारें या तो सहभागी है या निष्क्रिय है, जस्टिस एपी शाह। फेक न्यूज अराजकता फैला सकता है, न्यूज सोर्स की विश्वसनीयता को कम कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी। भारत पाक के खिलाड़ियों का हंसता मुस्कुराता देख भड़के गौतम गंभीर, बोले दोस्ती बाहर करो मैदान में नहीं।